और चलिए खबरों में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अडानी 609 नंबर पर थे और कुछ ही महीने बाद दुनिया के दूसरे बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन गए, लेकिन हिंडनबर्ग ने ऐसा क्या प्रकाशित किया कि उनकी अडानी इतने नीचे आ गए और अब कोई पूछ भी नहीं रहा है। बता दें कि अंबेडकर चौक पर कांग्रेस की जनसभा हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किराए के घर में रहते उनके घर पर ईडी का छापा मारती है, जहां पर करोड़ों का घोटाला हुआ वहां ईडी नहीं जाती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि केंद्र ने सरकारी एजेंसियों पर कब्जा किया हुआ है, SBI और LIC का पैसा अडानी को दे दिया है। वहीं इस घेराव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव समेत सैकड़ों की तादाद में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सब जानते हैं अडानी जी 609 नंबर में थे। लोकसभा में आदरणीय राहुल जी ने भाषण दिया था, याद होगा आपको। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े पैसे वाले हो गए थे। बड़े बढ़ चढ़कर मीडिया में सारी बातें आती रही, लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ वो हिंडनबर्ग, उसके पहले तक हम लोग नहीं जानते थे। महाराज जानते रहेंगे, हम लोग तो नहीं जानते थे हिंडनबर्ग क्या है।